excitement and energy. If you listen to the songs, everything. Okay, Kunal Ganja wala ke saath aap kaam kar rahe the, kaisa tha? Aise mujhe sabke saath kaam karke acha laga, yani Kunal Ganja wala se bhi, wo bhi bahut acche singer hai, famous singer hai, aur सभी लोगों से काम करके बहुत अच्छा लगा। किस मूड के गाने इसमें? इसमें सभी रोमांटिक है और इसमें एनर्जी, मतलब फिटनेस के बारे में भी बहुत कुछ दिखाया हुआ है। बहुत अच्छा सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग है एक, मतलब तीनों सॉन्ग अलग अलग टॉपिक के हैं, तीनों सॉन्ग बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे चीज उसमें रखे हैं, मतलब बनाए हुए हैं यू नो उसमें है। और आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या खास एल्बम को लेकर है, क्या कहेंगे आप? हुमायूं कबीर इसके कंपोज़र हैं और हुमायूं की दोस्ती मेरे साथ चंद हफ्तों पहले ही हुई। बहुत अच्छा लगा उनको मिलकर, क्योंकि गाने बनाने वाले बहुत हैं पर तहजीब और तमीज़ से पेश आने वाले बहुत कम, तो आज के दौर में तो पहले उनके गाने सुनने के पहले वो हमसे मिले और हमें बहुत अच्छा लगा। एज अ कंपोज़र ऑल्सो ही इज़ वेरी गुड, पक्के हैं। उनकी पोइट्री भी अलग अलग राइटर से वो लिखवाते हैं जो उनको पसंद है, और हमारे राइटर तो कजाकिस्तान से यू नो हैं, और ही इज़ अ वेरी बिजी एंड वाइट कॉलर्ड पर्सन। बहुत मज़ा आया रिकॉर्डिंग करने में भी, क्योंकि लाइक सम ऑफ द न्यू एज कंपोजर्स, वो पहले सिंगर को ट्यून भेजता है ताकि सिंगर कंफर्टेबल होकर आए और उसका अपना कराए, वरना आजकल थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो ये जाता है कि हम सिंग एक लव्स या एक लाइन गाने के पहले कंपोजर कहता है सर हमको इस तरह से चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए, तो हम अक्सर फिर कहते हैं कि फिर हमको क्यों बुलाया, आप ही गा लेते अगर आपको सब कुछ पता है तो। तो ये एक्सपीरियंस हुमायूं से नहीं हुआ, बिल्कुल कंफर्टेबल हुए हम, इसलिए गाना जिस तरह से हुआ हुआ, आधे घंटे पौने घंटे में गाना हो गया हमारा रिकॉर्ड। आजकल नए गाने बहुत ही कम देखे जा रहे हैं, रीमेक का बहुत है, तो जी एज ए सिंगर आप इसे कैसे देखते हैं? अच्छा, एब्सोल्युटली फाइन, यही हाल वेस्ट में भी है कि गाने पुराने गाने आप कवर कर रहे हैं पहले से भी, और ये चीज़ वेस्ट में 70s से हो रही है। आप किस तरह से कवर करते हो वो अलग मुद्दा है, तो प्रॉब्लम यही है कि ख़रीदार जो है वो थोड़ा थैंक यू हो गया है, क्योंकि आज हमारे पास इतने खूबसूरत कंपोज़र्स पहले गोल्डन ईरा के हुए हैं, डायरेक्टर्स हुए हैं, एक्टर्स हुए हैं, पीपल जो ख़रीदते थे ट्यून्स, जो पैसा लगाते थे, वो जौहरी थे, वो सुनते थे और कहते थे मुझे ये चाहिए, इसलिए हमारे पास इतने खूबसूरत गोल्डन ईरा के 50s से लेके 90s तक गाने हमारे हैं। 70s तक कुछ कहेंगे ईरा गोल्डन था, पर मैं कहूँगा 80s और 90s, नदीम श्रवण, एआर रहमान साहब जब आए तब भी बहुत अच्छा म्यूज़िक हुआ, क्योंकि पुरानी नस्ल के लोग थे, पेशेंस था, फास्ट फूड नहीं था और फेसबुक और ट्विटर नहीं था, तो लोगों का जो उनका जो डिस्टर्बेंस नहीं था उनका, यू नो यू कुड कैप्चर देयर अटेंशन फॉर अबाउट हाफ एन आवर, वन आवर, तो सिटिंग्स बाकायदा होती थी, गाने सुनते थे लोग 10-15 बार। यहाँ तो ये भी हो रहा है कि अच्छा ये गाना मैं घर ले जाता हूँ, आई सी इफ माई ड्राइवर लाइक्स इट और इफ माई मेड सर्वेंट लाइक्स इट, तो फिर गाने ऐसे ही होंगे। फिर इसके एक लाइन गुनगुना के बताएंगे? उंगलियाँ उंगलियों से यूं उलझ गई जिंदगी की मुश्किलें, जिंदगी कि मुश्किलें सब सुलझ गई, उंगलियां उंगलियों से यूं उलझ गई। गजल है पर मॉडर्न ऑर्केस्ट्रेशन के साथ। थैंक यू, क्या बात है, थैंक यू। किशोर कुमार, यस, बहुत बहुत तो बहुत बहुत याद कर रहे हैं। हम खुशकिस्मत हैं, हम क्या याद करेंगे, हम तो उनके गाने सुनते हैं, रफ़ी साहब के गाने सुनते हैं। आज दिन भर हम कहीं और से आ रहे थे, अंधेरी से यहाँ जब आए तब सब चैनल पे सिर्फ किशोरदा के गाने, और ऐसे भी रोज़ बजते हैं, आज तो बहाना मिल गया और भी,
तो अभी मैं एक चैनल पे सुन रहा था उनकी सारी कॉम्पोजिशन एज अ कम्पोजर, तो वो उसमें और भी मज़ा आया कि ऐसे कुछ गाने सुने जो कभी सुने नहीं थे। सर ऐसे नहीं, एक कोई गाना ऑफ कोर्स दिल से है और आप गाते हैं। बहुत गाता हूँ, बहुत सारे गाता हूँ। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। बहुत अच्छा। एक आखिरी सवाल जानते थे, किन फिल्मों के लिए आपकी तैयारी शुरू है और कौन से अजय अतुल अजय आपके फैंस काफी नाराज हैं? जी बिल्कुल, दूर हैं हम, दूर इसलिए भी है कि ट्रेंड ऐसा चला है कि सारे कंपोजर्स अपने गाने गा रहे हैं, तो ये तो वैसा हो जाएगा ना कि अगर सारे हमारे डायरेक्टर्स अगर खुद एक्टिंग करने लगे तो हमारे एक्टर्स के पास ऑब्वियसली रोल्स नहीं रहेंगे क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं करते अपनी सारी फिल्में। पर जैसे कि आपने देखा है कि सारे बड़े स्टार्स जिनको सारे प्रोड्यूसर्स एक्टिंग कराते हैं जब वो नए आते हैं, उसके बाद वो अपने खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोलते हैं क्योंकि वो खुद अपनी पिक्चर फिर बनाते हैं, कोई और पैसे नहीं लगाता क्योंकि एवरीबडी वॉन्ट्स न्यू फॉर द सेक ऑफ न्यू टुडे। तो एवरीबडी हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड वी आर हैप्पी बिकॉज वी हैव संग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, प्लीज्ड अ लॉट ऑफ ऑडियंसेस। बट मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे भी एयरपोर्ट पे लोग मिलते हैं, कभी अगर मॉल में बच्चे के साथ मेरे में आ गया तो लोग कहते हैं आप सर क्यों नहीं गा रहे हो, तो हम इसलिए नहीं गा रहे कि भाई हम कंपोजिंग भी कर रहे हैं और गाने का मौका मिले तो हम गाएंगे। जैसे अजय अतुल के लिए हम गाना गा रहे हैं, जैसे प्रीतम के लिए मैं गा रहा हूँ, तो वो हमेशा से वो खुद भी गाते हैं पर दे आर एसेंशियली कंपोजर्स एंड दे आर नॉट फॉरगेटिंग दैट। सो म्यूजिक एल्बम का नाम है ब्राउन अखा, इसमें एक रोमांटिक सॉन्ग है उसका नाम है उंगलिया और एक सॉन्ग है तोची रैना का और पंजाबी टच है वो, उसमें मतलब शादी ब्याह में ऐसे मतलब चला सकते हैं, बहुत अच्छा सॉन्ग है वो भी। और एक सिंगर है सावेश है और उनका भी सॉन्ग बहुत अच्छा है, ऐसे मतलब डांसिंग टाइप का बहुत अच्छा है वो सॉन्ग भी, न्यू सिंगर है। और मेरा फेवरेट सॉन्ग है उंगलिया, रोमांटिक सॉन्ग। किसने की है ये तो बताओ? उंगलिया देखिए तो मत लगा रहे सामने ही है, दिख ही रहा है, ब्राउन आंखें हैं, ब्राउन आंखें हैं, सोनिया की है कि नहीं या उनकी भी ब्राउन आंखें हैं, टाइटल जा रहा है। चलिए तो इस गाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपको ये गाना कैसा लगा? ये गाना, तीनों गाना बहुत अच्छा है बट जो रोमांटिक सॉन्ग है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से सिंगिंग किया है और वो तो बहुत अच्छे सिंगर है सब लोग जानते ही हैं। शूट भी बहुत अच्छा, जो टीजर मैंने देखा अभी तक मैं भी बेसब्र हूँ कि मेरे गानों को, गाने को 3.5 मिनट में क्या हुआ है, कहाँ तक गया है। लोग बोलते हैं क्या आदमी पानी वाला है लेकिन ये तो गांजे वाला है। गांजे वाले के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए पर्सन अच्छे हैं कि ऐसे सिंगर अच्छे? बहुत अच्छे हैं कुणाल गांजे वाले, मतलब सभी लोग जानते हैं, मैं तो नहीं, सभी आप भी जानते हो, बट बहुत अच्छा सिंगिंग किया है और गाना भी बहुत अच्छा है और जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग गाने लेके दिए। क्या नाम उनका? और हुमायूं कबीर है, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं और उन्होंने भी अच्छे अच्छे सॉन्ग दिए हैं। आपने पहला एल्बम किया था, आपको कैसा लगा एल्बम करते हुए? मुझे बहुत अच्छा लगा फर्स्ट सॉन्ग करके, मुझे फर्स्ट सॉन्ग किया और बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत अच्छे अच्छे सिंगर मिले और म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छे थे और गाने भी बहुत अच्छे हैं। क्या आगे भी म्यूजिक एल्बम में आपको इंटरेस्ट है, करते रहोगे? और आगे अभी प्लानिंग है, मूवी बना रही हूँ मैं आगे, अभी उसके बाद में देखते, एल्बम तो करेंगे वो तो है बट इसके बाद अभी एक एल्बम के बाद मूवी की प्लानिंग कर रहे हैं। एक न्यू सिंगर पे पिक्चरेज हुए हैं कुणाल जी, तो क्या कहेंगे आप न्यू कमर के लिए? मल्लिका शेरावत और इमरान भी नए थे जिनको मैं मिला भी नहीं था, तो मेरे लिए गाना बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे कहा गया था कि सोनिया इज़ गोइंग टू बी द लीड एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड एथलीट। बहुत कम लोगों को पता है कि एज शी इज़ नॉट ओनली अ प्रीटी एक्ट्रेस बट शी इज़ ऑल्सो एथलीट, सो यू कैन आस्क हर अबाउट दैट लिटिल लेटर। उंगलिया के जगह इसका नाम बताओ, ओ सोनिया होते तो कैसा लगता है? व्हाई नॉट, कैसा गुनगुनाते? सबसे पहला गाना मेरा वो हमदम सोनिया ही था। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, थैंक यू। आप अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन खुद दीजिए। अरे मैं
मतलब मैं हुमायूं कबीर, मेरा क्या इंट्रोडक्शन है, आज से मेरा इंट्रोडक्शन है कुणाल भाई तोची भाई, बस यही मेरा इंट्रोडक्शन है। सुना है कि यह आपका पहला म्यूजिक एल्बम का ब्रेक है, ये बात कहाँ तक सच है? ये बात बिल्कुल सच है कि मेरा पहला ब्रेक है। और कहते हैं ना, जैसे आदमी को देखने के लिए दो आँखें चाहिए, चलने के लिए दो पैर चाहिए, और कुछ भी करने के लिए दो हाथ चाहिए, तो मुझे अल्लाह ने एक साथ दो हाथ दिए, कुणाल भाई तोची भाई। ये क्यों नहीं बोलते कि मेरा राम लखन है? मैं राम लखन तो नहीं कहूँगा, ये दोनों मेरी राखी हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि यू आर मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, कभी आप मॉडल रहे हो, कभी आप एक्टर रहे हो, कभी आप म्यूजिक डायरेक्टर रहे हो, तो आपको क्या क्या करने का शौक है? देखिए, वन शॉट ये कहूँगा कि बहुत बड़ा फ़ैन हूँ किशोर दा का। और कहते हैं ना, हम लोग तो नकल भी नहीं कर पाते उनके गाने, उनकी कंपोजिशंस, उनकी एक्टिंग, बस बचपन से उनको देख के बड़ा हुआ, तो वो सारी चीज़ें अंदर पेवस्त हो गई और अब मेरे दो भाइयों का सहारा लेकर चल रहा हूँ मैं। यार बढ़िया है, उनके शान में आप गुस्ताखी कर रहे हो, आज उनका जन्मदिन है, उनको मुबारकबाद दे दोगे? हाँ, आज किशोरदा का जन्मदिन है और हम पूरे हिंदुस्तान को आप लोगों के माध्यम से मुबारकबाद देंगे। और बल्कि मैं तोची भाई और कुणाल भाई से भी गुजारिश करूँगा कि इस बाइट के आखिर में किशोरदा को ज़रूर हम लोग श्रद्धांजलि दें। दो लाइन बात, इस एल्बम में कितने गाने हैं और किस मूड के हैं? इस एल्बम में गाने तो वैसे 6 हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोगों ने 3 शूट किए हैं, तो वो हम तीनों रिलीज़ कर रहे हैं और इसके डिफरेंट मूड हैं। कुणाल भाई, मतलब जहाँ कुणाल गाने वाला नाम बताया वहाँ भीगे होते रहे, ऐसा लगता है रोमांस बस ख़त्म हो गया, उस पूरे अकेले गाने में पूरी टाइटैनिक समा जाती है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे गाने की, ब्राउन नखा कत्ल करेनी तोची भाई, तो उनकी आवाज़ ओफो क्या कहने हैं, मतलब प्योर पंजाबी सोल प्योर गायकी, और बस अल्फाज नहीं मेरे पास। अभी अंदर दोनों झगड़ा कह रहे थे कि पहले में क्या टॉस किया जाए कि हु इज द बेस्ट? ये दोनों के दोनों हेड हैं, अगर ये ना हो तो शोले नहीं चलेगी। ये ब्राउन अखा आपने टाइटल क्या सोच के रखा है? देखिए, हर लोगों की आँखों में ना कुछ सवाल होते हैं, कुछ ना कुछ मायूसियाँ, कुछ ना कुछ खुशियाँ होती हैं, पर जो आँखें ब्राउन हो जाती हैं इसका मतलब कि उन्होंने सब कुछ पा लिया। इन दोनों को पाने के बाद मुझे लगता है मैंने सब कुछ पा लिया, ये दोनों और सोनिया मैम हमारी जो मॉडल हैं। लेकिन यहाँ पे जो वीडियो खड़ी है उन सबको तीनों के आंखें ब्राउन लग रही है, तो हम सब पा चुके हैं। हम सब पा, अच्छी बात है कि हम सब पा चुके हैं। आपका प्यार पा चुके जी सर। सोनिया जी के बारे में क्या कहेंगे, उनका पहला एल्बम? सोनिया जी का बारे में यही कहेंगे, जब हमने उनको कंपोजिशन सुनाई और हमने कहा ये कुणाल भाई गाएंगे, ये तोची भाई गाएंगे गाने, उनको उस तरह से सुनाए, उन्होंने सीधा कहा कि हमें हुमायूं यही चाहिए, अगर हमें ये नहीं तो फिर कुछ नहीं। तो उनकी मेहनत और उनकी ज़िद और उनके आगे मेरी कोशिश सब कामयाब हुई, और कुणाल भाई तोची भाई, तोची भाई कुणाल भाई। आपने सिंगर 3 लिए है, मॉडल 3 लिए है, लेकिन फीमेल इकलौती एक क्यों है? हाँ, ये बता दूँ मैं आपको, फीमेल क्या है ना कि तब अपने आप में वो एक कंपोजिशन है, जैसे मैं कहूँ कि देख के तुमको दिल डोला है, खुदा गवाह हम सच बोला है, या एक तो अकबर का सलाम या मुकेश जी का गाना, एक ही गाने में 3-3 कंपोजिशन है। उसी तरह से मेरे इस एल्बम में 3-3 मूड हैं, कुणाल भाई हैं, तोची भाई हैं, शाज एक नया लड़का है और बहुत अच्छा उसने भी गाया है, तो मतलब सारे मूड हैं इस एल्बम। आपके 3 मेन मॉडल कौन है, क्या क्या नाम है उनका? एक हमारा जो कुणाल भाई का गाना है, तो उसको तो देखने के बाद लगता है कि कोई भी मतलब सड्यूस हो सकता है, पहले तो सुनने के बाद ही हो जाएगा और देखने के बाद भी, ही इज़ आर्यन चौहान, और मेरे ख्याल से शायद 22 घंटा वो सिर्फ जिम में ही रहता होगा। हम सबको 6 पैक है, उसको 8 पैक है। फिर मैं पैक ही नहीं है। वो तो शाम के बाद पैक शुरू होता है। जी जी। तो इस म्यूजिक के एल्बम के बारे में टोटली व्हाट इज द हाईलाइट? लिरिक्स अच्छे हैं, आपका म्यूजिक अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है? इसका सवाल, इसका जवाब हम देंगे। प्लीज सर, कैरी ऑन सर। बिकॉज़ वो कहा, वो जैसे मैंने कहा कि इनके म्यूजिक को सुनने के पहले हमने इनकी जो एक जिस तरह से वो पेश आते हैं, तो पहले वो उनके आने के पहले शराफत दरवाजे से अंदर आए, तो वो बहुत पसंद आई हमें, और फिर हमने उनका गाना सुना तो वो उतना ही पसंद आया। तो ही इज़ फैंटास्टिक एज अ पर्सन, जो हमारी इस जनरेशन में मिसिंग है, तहजीब अदब से जो लोग पेश आते हैं, बोलते हैं और जो बोलते हैं वो करते हैं, ये कम दिखने मिलता है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट हिम। ही इज़ extremely soft spoken and he's very talented. He's not just what you said as a model, but he's also an MC, he's a radio jockey, he's a video jockey, he's lots of things, and he's trying his hand at music, and I think he should do this as seriously as being an actor and a model. तब से तुम राह देख रहे हैं, मेरे से नहीं पूछा जा रहा है। नहीं, मैं बहुत पेशेंस वाला हूँ, मेरे को पता है मेरी। म्यूजिक के बारे में इतना ही कहूँगा कि देखिए, म्यूजिक तब अच्छा होता है जब आदमी की रूह अच्छी हो। और हुमायूं कबीर आज से नहीं जानता, मुझे बहुत पहले से जानता है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल
तहजीब जो कुणाल भाई ने बोला है, मन अगर अच्छा है तो कठौती में गंगा है। बिल्कुल, तो पानी जो है आपका तभी बहेगा जब आप अंदर से बह रहे हो फिलोसफी को लेकर, तहजीब को लेकर के, और जब ये सारी चीज़ें अगर आएंगी तो म्यूज़िक नेचुरल सी बात है, बहुत अच्छी होगी। आप अपने एक लाइन गुनगुनाएंगे जिससे कुणाल भाई ने गुनगुनाई? मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ तो मेरे बैक पेन हो रहा है, बाकी मेरा ब्रदर जो है जो मेरे साथ गाया है। नहीं भाई की वाकई तबीयत अच्छी नहीं है और पिछले 3 रोज से काफ़ी बैकएक है उनको, उसके बावजूद मेरी मतलब मेरी रिक्वेस्ट पर और इनकी मोहब्बत है कि वो आए। मैं बोल रहा हूँ तो भी और हाँ मैं गुनगुनाता हूँ, और यही चीज़ मेरी कुणाल भाई के साथ भी। मैं 2 चीज़ें और कहना चाहूँगा, जब मैंने एल्बम शुरू किया था तो जब मैंने गाना बनाया तो मैंने इंडस्ट्री के कई लोगों से मैंने बात की, सिंगर से, और मुझे मतलब मज़ा नहीं आया, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और मैं बता नहीं सकता हूँ। फाइनली मैंने उस जो गाना कुणाल भाई का है उसके लिए कुणाल भाई से बात की, कुणाल भाई ने बहुत अच्छे से बात की और मुझसे कहा कि पहले गाना भेजो। मैंने 2 लाइंस भेजी और कुणाल भाई ने कहा डन। तो बहुत ही मेहनत के बाद मुझे कुणाल भाई हाथ लगे और मुझे वैसे लगता है कि ज़िंदगी भर मेरे हाथ से नहीं जाएंगे वो, तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। ये रही बात कुणाल भाई की, अभी मैं तोची भाई की बात की लगूँ, जब मैं तोची भाई को कहा तोची भाई के पंजाबी सॉन्ग इस तरह का है, बोले खाली सुना, तो तोची भाई के क्या कहने साहब, ये भी पारस से कम नहीं है, सुना, बोले बस अब तू छोड़ दे, भेज दे, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। और इसका रिजल्ट ये आया है कि मैंने इनको राय दी थी और इन्होंने मुझे वापसी में एक बहुत बड़ा पहाड़ दिया है, ब्राउन अखा कतल करे नहीं जदो करे तो ब्लिंक, कल्ला कल्ला चावा तेरे नाल बढ़ावा लिंक सेल्फी क्वीन। मैंने सच्ची बोल, बिल्कुल सच्ची बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। थैंक यू वेरी मच। और मेरा एक सिंगर और है, मैं उसके बारे में बताऊंगा, शाज, उसने भी बहुत अच्छा गाया राजू भाई, शाज इधर ही कहीं है, शाज 3रा सॉन्ग इस बच्चे को तोची भाई कुणाल भाई दुआ दें कि आज हम करें, ये एकदम न्यू कमर है। आप अपने बारे में क्या कहना चाहोगे इन धुरंधरों के बीच में, कहीं से पा रहे हो आप अपने आप को? मुझे तो अपने आप पर इतनी खुशी है कि कभी कभी यकीन नहीं होता कि मैंने इतने बड़े बड़े सिंगर्स जिनको मैं सुन सुन के सीखा हूँ, तोची जी को, कुणाल जी को, और सभी को सुन सुन के कुछ ना कुछ सीखा हूँ और उनके साथ मुझे गाने का मौका मिला है, वो मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सुना है आज आप मैटरनिटी हॉस्पिटल से वापस आए हो? पैदा हो रहे सिंगर? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है आज पहली बार? मुझे आज मतलब वो कह सकता हूँ मैं कि मेरे पैर जमीन पे नहीं है, मैं आसमान, मतलब मैं बहुत, मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता। मेरा पहला ये गाना है जो मार्केट में आ रहा है और हुमायूं भाई ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे बताया, मतलब सब कुछ, वो सब मैं थैंकफुल हूँ। और आपके गाने की, आपकी आवाज़ की बड़ी तारीफ कर रहे थे, एक बार जनता को सुना दीजिए आपकी आवाज़। जी बिल्कुल, मैं अपना ही गाना गुनगुनाना चाहूँगा जी, पड़ोसी का मसला। जी आज हम करें वो न किसी ने किया जो, पंख लगाएंगे दिल के इरादों को, बादलों के रास्ते उड़ाने भरेंगे चांद की सैर करेंगे, सितारों से बातें करेंगे आज हम करें वो ना किसी ने किया जो। चलिए वन मोर थिंग, हमारी राजू भाई लेट पहुंची, वो आज है पल्लवी, प्लीज 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 कम कम कम। क्रिएटिविटी जिस भी फॉर्म में आए उसका स्वागत करना चाहिए, और बड़ी बात तो ये है कि पूरी टीम यंग लोगों की है, यूथ की है, और आज अगर कोई बदल आ सकता है इस इंडस्ट्री में, नई दिशा मिल सकती है, एक नई किस्म के ट्यून मिल सकता है, तो यूथ से ही हो सकता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये जो पूरी की पूरी एल्बम आ रही है ब्राउन अखा, अब हुमायूं कबीर हमारे पुराने पहचान के हैं, हमें जानता हूँ उनको उस ज़माने से जब ये स्टूडेंट हुआ करते थे, तो बड़े ही क्रिएटिव आदमी है, म्यूज़िक में बड़ा अच्छा इनका इनकी दखल है, तो इन्होंने बहुत अच्छा म्यूज़िक उसमें दिया है। अब जो आपकी स्टार कास्ट है, ये हीरोइन यहाँ पे मौजूद है, हीरो साहब भी अभी इधर ही थे, तो मैं समझता हूँ कि यूट्यूब पे एल्बम को बनाना, उसको डालना एक बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी मेहनत लगती है। मैंने इसके जो रशेस देखे हैं, जो इसका टीज़र देखा है, उसको देख के मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ा खूबसूरत इसमें पिक्चराइजेशन है, कंसेप्ट अच्छा है, और इन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया है, और मैं समझता हूँ कि इट विल अचीव गुड सक्सेस। माशाल्लाह आप खुद एक बहुत अच्छे शायर हैं, तो इन्होंने, इनके लिए आपने एक गाना लिखने की जहमत क्यों नहीं उठाई? तभी हमारी पकड़ में नहीं थे।
दरअसल उस वक्त जो है हम बहुत सीरियस इसके लिए गाने लिखने के लिए नहीं थे, क्योंकि थोड़ा सा अपना थॉट वॉट का काम चल रहा था। तो अब क्या है कि अब पब्लिक के लिए जो कंजम्पशन के लिए गाने आजकल लिखे जाते हैं वो थोड़े आसान होते हैं, तो उम्मीद है कि हम जल्दी लिखेंगे और कुछ अच्छे गाने आपको सुनने को मिलेंगे। आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट के उस ओहदे पे बैठे हुए हो जहाँ पे संगीत को बहुत कम तवज्जो दी जाती है, बट आपके बारे में कहा जाता है कि यू आर ए वेरी म्यूजिकल पर्सन। देखिए ऐसा है कि संगीत एक कैथारसिस का काम करता है लाइफ में, और हम में से किसी की लाइफ ऐसी नहीं है जिसमें स्ट्रेस नहीं हो, परेशानियाँ नहीं हो, तकलीफ नहीं हो। अगर आपने म्यूज़िक को अपना लिया तो बहुत हद तक आपकी वो दुख दूर हो जाएंगे और आप एक लार्जर ह्यूमैनिटी के पार्ट हो जाएंगे, तो आप बीती जग बीती बन जाएगी। और यही वजह है कि जब भी कभी हम परेशान होते हैं, दुख होते हैं, तो हम म्यूज़िक सुनते हैं, फिर हमको लगता है कि जो हम पे गुजर रही है हमसे पहले भी लोगों पे गुजर चुकी है। सो मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक हम सबको अपनाना चाहिए, ये हमारे जहन को दिमाग को काम कूल और सूद करता है और हमको जीने की एक नई उम्मीद और उमंग देता है। आपके अगल बगल में दो माशाल्लाह बहुत अच्छे सिंगर खड़े हैं, एक तरफ कुणाल है एक तरफ रोची है, क्या कभी इनके गाने आपने सुने हैं? बहुत सारे सुने हैं, बल्कि इनके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो जब भी मौका मिलता है उनको देखते हैं। और ये दोनों बहुत अच्छे सिंगर हैं, इनका गला जो है वो सही माने में सूदिंग वाला है कि आप अगर सुनिएगा तो आपको सूद करेगा। और ये कुणाल तो मैं समझता हूँ कि 10-15 साल पहले उन्होंने पहला गाना गाया था, और वो आज तक मैं समझता हूँ इनका नाम आता तो पहले मुझे वही गाना याद आता है, तो ये ऐसा असर होता है। तोची भाई का जो रंग है, मतलब कहाँ सूफ़ी से लेके कहाँ आज के मॉडर्न गाने, ये जो रेंज है ना, ये बहुत एक एकम्प्लिश जो सिंगर होता है जिन्होंने बड़ी मेहनत की होती है, बड़ा रियाज किया होता है, ऐसे आदमी का है। और इन लोगों को सुन के ओरिजिनल क्रिएटिविटी का पता चलता है, तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों इनको बधाई देना चाहिए कि ये एक साथ आए और इन्होंने इस एल्बम में गाना गाया है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।